आज हैदराबाद में वहां के तानिया खास के लिए केस बाबत आगाह कंदासी तो कतल केस के जवाबदारन के घट सजा बुधायण खिलाफ सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच में दरख्वास्त बुधनी थी है। तानिया खास के लिए जी भेण दुआ खास के लिए तरफा खानू नुहानी जी उम्र कैद वरी सजा के फाही में तब्दील करण की इस्तदा कई वही अवा के आगाह कि दरख्वास्त में जाना वो है सेवन की अदालत तानिया कतल केस में मुख्य जवाबदार खान मोहम्मद नुहानी के उम्र कैद की सजा बुधाई हुई। तफसील मालूम कंदासी इमाम अली भालाई असा के ज्वाइन किया है। इमाम छा तफसील है निबत हैदराबाद सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच में तानिया खास के लिए कतल केस के जवाबदार के सजा घट बुधाने खिलाफ सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच में दाखिल दरख्वास्त बुधनी थी है। जस्टिस अमजद फैसो और जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी से मुश्तमिल डिवीजनल बेंच बुधनी कई मकतूला की भेण दरख्वास्त गुजार दुआ खास के लिए पंजे वकील गुलाम फारूक अब्बासी मरफत अदालत में पेश की जवाबदार के फाही की सजा बुधाने खिलाफ इस्तदा कई। दरख्वास्तार मौको अख्तियार किया है सत साल अग खान मोहम्मद उर्फ खानू नुहानी साथ में गड़ी मुझी भेण के कत्ल किया छह साल तीन अदालत जहा चक्कर काटे रही है पर अजा तीन मुकम्मल इंसाफ न मिलो है। कत्ल केस में क्यों जवाबदार मौला बख्श अजा तीन रूपोश है जदा तो तानिया खास के लिए भेण दुआ खास के लिए तरफा खानू नुहानी की उम्र कैद वाली जी सजा के फाही में तब्दील करने की इस्तदा कई है। सेवण की अदालत खास के लिए कतल जवाबदार खान मोहम्मद नुहानी के उम्र कैद की सजा बुधाई हुई बिन्हीं जवाबदार के परी किया वो जी वही मेहरबानी इमाम अली भालाई तफसीलन के लिए।